गाइज ये हमारा तीसरा टेक चल रहा है वेलकम करने का। ओह माय गॉड यार। सो हे गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरे में एनर्जी आई है थोड़ी सी सिर्फ बोलने की, अभी मैं वैसे ही पागल ही। सो यार गाइज अभी मेरा जो व्लॉग शूट कर रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा कौन शूट कर रहा है, वो आपके लिए सरप्राइज है गाइज। ताकि आप एंड तक बने रहो व्लॉग में और फिर आपका जो तो गाइज मंच आ चुका है और अभी टाइम हो रहा है हमारा 8:15। 4:40 हो रहे हैं गाइज, 4:40 हो रहा है और मुझे नहीं पता था ये आने वाला है और मैं अभी बस सो के उठा हूँ। शाम के हो रहे हैं वो नहीं हो रहा। सो यार अभी हम काम करेंगे अपना फटाफट से बिकॉज घर पे कोई है नहीं और हमें अपने काम करने हैं। अभी मैंने सारे बर्तन साफ किए हैं, ये अभी आया है इसलिए अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला चलो बना ही लेते हैं व्लॉग। एंड या अभी मुझे ये मैंने आटा गूंद के रखा था, अब हम इसकी बनाएंगे रोटियां। उसके बाद हम जाएंगे एक स्पेशल काम कराने जो कि हमने जिंदगी में कभी नहीं कराया। अगर आप बंच प्लीज बताइए क्या करने जा रहे हैं। इट्स सरप्राइज फॉर यू गाइस, जल्दी ही पता चलेगा। सो हम पहुंच के आपको दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं। और मैं आपको हिंट दे दूं, पहले तो मेरा थंबनेल ही वही होगा, मुझे ऐसा क्या बहुत पेन होने वाला है। हाँ जी, सुंदर स्किन हो जाएगी आपकी, उससे टैनिंग हट जाएगी। सो आप गेस कर सकते हैं क्या होगा। एंड लेट्स सी आज हम भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। सो फटाफट से ये आटा कि हम लोइयां बना लेते हैं। यार मैं कुछ लोइयां वोइयां कुछ अलग तो नहीं कर रहा यार, यही बोलते हैं ना इसमें क्या, मैं ये बोल लोइयां बनाते हैं, इसका पेड़ा बना लेते हैं या फिर। और वैसे एड़ा तो वंश बना ही लेता है। सो ओके तो क्या करेंगे, बस ऐसे लेंगे और ये किचन चैनल है, किचन चैनल है ये। इसमें आप अमित के साथ रोटी बनाना सीखेंगे। लेट्स गो, फटाफट से मैं पहले ये कंप्लीट कर लूं और फिर रोटी की टर्न में मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। ओके चलो। तो हे गाइस हमारी पहली रोटी फूल चुकी है, हमारी पहली रोटी फूल चुकी है, दिखा दीजिए। इट्स राउंड एंड सॉरी। सो यार ज्यादा रोटी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 8 रोटी बनानी है। ये कम होती है? हाँ जी, ये मेरे लिए कम है वरना मैं 12-12 रोटियां बनाते हैं। सो 8 रोटी बनाते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्केट और फिर आपको दिखाते हैं हम क्या करवाने वाले हैं। और कपड़े तो चेंज करूंगा, वंश ने तो चेंज कर ही रखे हैं। तो हे गाइस अभी हम जा रहे हैं वैक्सिंग कराने के लिए वंश और मैं, और लेट्स सी मैंने अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली है। नहीं बना दी मैंने, अब भी बना सब्जी दे देना। हाँ अब मम्मी नहीं है तो आंटी पूछ रही हैं सब्जी बनाने के लिए। आप व्लॉग में हो। सो गाइस लेट्स गो फॉर वैक्सिंग एंड इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम टोटली नर्वस। लेट्स सी वांश कहाँ गया यार। तो अभी हम आ चुके हैं वेवलेंथ जिम में। हाय, मैंने माइक ऑन कर रखा है क्या? लेट्स गो। सो हे गाइस अभी हम आ चुके हैं वैक्सीन कराने के लिए और इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। देख वहाँ पे वो हॉट वैक्स हो रही है। ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस यार। गाइस आपको भी ऐसे ही जाना है किसी टिकटॉक पार्लर में और वैक्सीन करानी है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। हम में तो इतनी हिम्मत है हम तो आ जाते हैं मुंह उठाके। मैं मुंह उठाके आ जाता हूँ गाइस, मुझे नहीं लगती शर्म। लेट्स गो, लेट्स सी द होल प्रोसीजर आपको पूरा दिखाएंगे। वैसे बम्स तो नहीं आएंगे? आएंगे को डर लगता है। फर्स्ट टाइम है मेरा, टैनिंग भी हो गई, सेंसिटिव होगा तो थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद चला जाएगा। मेरी कोशिश है एक बार आपको फुल करवाना है कि हाँ इतना ठीक है। ओह शिट इट्स टू हॉट। अरे यार प्लीज मैं क्या नहीं रुक जाना एक मिनट। ओके ओके कुछ नहीं होगा। माय गॉड बट इतना नहीं हुआ मेरे को, नहीं होगा। हाँ मेरी सेंसिटिव है ना तो फटाफट से उखड़ गए। Nice.
ठीक है करवा मैं ऐसे रहूं जैसे कितना एक्सपर्ट हूं ज्यादा पेन तो नहीं होगा नहीं पेन हो रहा है ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत जैसे चींटियां काटती ना उतने होते हैं ये टैनिंग कैसे जाएगी मैनीक्योर करवा लेंगे अपने वैक्सिंग होगी ना हां मैनीक्योर करवा लो इस हाथ पे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ मेरी स्किन तो सही थी और इसकी बारी है लेट्स गो डू इट गो स्टार्ट नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं बीच बीच में आ रहे क्लियर नहीं होगा आपका इसलिए कह रही हूँ बट वी कैन हम करवाते हैं सो या गाइस अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए खाना खाने का क्या स्नैक्स वगैरह सो या गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया वैक्सिंग करा के और मेरे को ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ जैसे कि आपने पहले की क्लिप्स में देखा होगा बिकॉज मैंने कभी भी कुछ अपने हैंड्स पे ना यू नो ट्रिमर या फिर वीनस अप्लाई नहीं किया था तो उन्होंने बोला दैट्स गुड पार्ट तो उन्होंने बोला मेरी स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव थी और मेरे हेयर्स भी बहुत ज़्यादा थिन थिन थे तो मुझे इतना पेन नहीं हुआ और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और लेकिन जो बंच हमारे सामने बैठे हैं उनको तो करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी बहुत छोटी ग्रोथ थी उसने वो कर रखा था ट्रिमर सो उनके लिए मना कर दिया दैट्स अ गुड पार्ट और या बहुत अच्छा लगा आप भी वैक्सीन कराइए जाके अब और आप अपना प्लीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि भाई आपको पेन हुआ था कि नहीं हुआ था जब आपने फर्स्ट टाइम वैक्सीन कराई थी मेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ सो या अभी कुछ मंगाते हैं और फिर दिखाते हैं क्या क्या खाते हैं हम लोग इज एक्चुअली पटेरो आई होप सो कि जैसे दिखने में लाजवाब है खाने में भी हो तो गाइज इतनी मैंने बोला था कि मोमोज मत बनवाइए लेकिन इसने फिर भी मोमोज बनवा दिए बताओ अब मैं क्या करूँ इसका मतलब कि क्या बदतमीजी है इसका पेट है या कुआ है जानवर है क्या है क्या है इंसान मैंने बोला था इतना कम खाएगा पहले आने के लिए पहले फ्राइड राइस पहले मोमोज खाया इससे कुछ ज़्यादा नहीं वीडियो में बताना जरूरी था तेरे को अब दोबारा काट के बनाना पड़ेगा अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस मैंने नहीं बनवाया इसने ही बनवाए हैं ये बट एनीवेज अब आ गए हैं तो टेस्ट करके बता देते हैं आपको हमारा काम है जो कि हम एक फूड ब्लॉगर बन चुके हैं वृंदावन की तरह अभी मैं आया हूँ वंश के घर पे और ये देखो वंश की रिंग लाइट और वंश का ये देखो यहाँ पे मेकअप चल रहा है दिखाइए दिखाइए एक बार गाइस यार मैं नहीं करता ऐसे तो यार मेरे को तो बड़ा बेकार लगता है ऐसे एनीवेज गाइस सो इसको मेकअप करने दो और या अभी हम आंटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट आंटी है हमारी इधर देखो आंटी हेलो बोल दो हेलो या सो ये है आंटी किचन दिखा दूँ ओके ये है उनकी किचन ये उनका बेडरूम उधर एक और ड्राइंग रूम है दिस इज एन एक्वेरियम इसमें बहुत सारी क्यूट क्यूट फिशेज हैं मेरा माइक चलो ओ ये देखो ये देखो ये देखो ओ माय गॉड कैसे करे ये रही मिल्की मिल्की से हाय ये संभावना सेठ वाला व्लॉग लग रहा है मेरे को वो भी ऐसे करते हैं आई एम बिग फैन ऑफ संभावना सेठ मैम या मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके व्लॉग देखना एंड या ड्राइंग रूम देख लिया लोगों ने देख लिया कोई मैं होम टूर बाद में देंगे ना तेरा एक व्लॉग उसमें निकल जाएगा मैंने पूरा घर छान मारा है मैं भी मेरा भी ये सो गाइज आंटी के साथ आज मैं रील बनाने वाला हूँ और लेट्स सी कैसी बनती है रिंग लाइट लियो सो या गाइज रिंग लाइट में कुछ अच्छा फर्क आ रहा है कि मेरी शक्ल चमक रही है इसमें चमक रही सो आंटी आज आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं और चाय बनाऊं सो गाइज लेट्स गो आंटी की फरमाइश पे हम बना रहे हैं चाय और मेरा कैमरा गंदा हो गया क्या एनीवेज चाय बनाते हैं गाइज और ये क्या उतार दिया वंश ने टोस्टर ओके मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं किया इट्स वेरी लाइट वेट या दिखने में ऐसा हैवी सा लग रहा है ओ माई गॉड लेट्स सी क्या हम रिंग लाइट यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्या लेट्स शिफ्ट इट सो हे गाइज वंश की किचन में आपका स्वागत है सो लेट्स गो सबसे पहले हम बना Everyone knows. Please. But I don't know. Let's see. सबसे पहले हम कर रहे हैं ब्रेड को टोस्ट Let's see. मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया ये सब कैसे करते हैं ओके हाउ मच टाइम इट टेक्स उछल के बाहर आ जाएगा मैं हाथ में लेट्स गो हम बनाते हैं चाय और स्टार्ट भी व्लॉग जो था हमारा किचन से ही हुआ था वो अमित की किचन थी और ये वंश की किचन है बस डिफरेंस इतना है एंड वंश प्लीज आप कुछ बताइए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा सर कि लाइक इसके जितने फॉलोवर्स हैं हर कोई मुझे बस 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 समझ गए ना आप चलो एक एक रुपए वेटिंग करते हैं मैं अपना नंबर यहां पिंक
गाइस हम बेघर हैं अभी. हे भगवान गाइस हमें पागल मत समझना, हमें प्लीज यार हम बस एक्टिंग कर रहे थे. आपको अच्छी लगी एक्टिंग तो प्लीज बताना. मैं पागल हूं तो मैं क्या करूं. एक दिन हम ना चैलेंज भी करेंगे आई थिंक कमालिका वाला, वो व्लॉग भी बनाएंगे जल्दी से. किचन में ही होगा वो व्लॉग शूट. लेट्स सी, सबसे पहले हमने ले लिया एक पतीला, इसे रख दिया यहाँ पे और हम डालेंगे इसमें. अभी तक टोस्ट नहीं हुए क्या? एक चैलेंज करेंगे जो जिहदे विच हम होल व्लॉग पंजाबी च करेंगे. तुहानू समझ में आती है ना पंजाबी? बिकॉज मैनू थोड़ी थोड़ी कट जे आती है. गाइज आप मुझे बताओ क्या आप बॉर्नविटा लवर हो? भाई मेरे को बहुत गंदा लगता है, ना मैंने बचपन में खाया और ना ही मैं अब खाऊंगा. भाई मुझे ट्रोल मत कर देना कि बॉर्नविटा नहीं खाया तुमने बचपन में. सो गाइज ये देखो, ये ऐसे रूखा कौन खा लेता है यार. मेरे को मैंने खत्म किया. मैं आई डोंट लाइक, मतलब ठीक है लेकिन मैं ऐसे रूखा नहीं खा सकता भाई. और गाइज आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई भी बम्प्स नहीं आए हैं, कोई भी ब्लड बम्प्स नहीं आए, विच इज़ वेरी अमेजिंग. आई लव माई हैंड्स. बाहर से इतना चढ़ के आया, मैंने खा सकता. आपके लिए सास बहू और साजिश. ये सास बहू और साजिश का बहुत जल्द व्लॉग आएगा और हम बहुत ज्यादा अपना 100% देंगे. यार बस कलर बना लेंगे सास बहू राजेश. चाय नहीं बना लेंगे. चाय नहीं रखी, हम चाय बनाने आए थे, व्लॉग में मस्त हो गए. गाइज हम चाय नहीं बना पा रहे, आप पहले जाओ फिर बनाएंगे चाय. चलो बाय. सो गाइज इसके बाद हमने बनाई आंटी के साथ कुछ फनी रील्स और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो. सो प्लीज गाइज डू लाइक कमेंट एंड शेयर गाइज. बाय बाय.